No. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शाहज़ेब खान साहब जो भी हैं अगर सुन रहे हैं तो आप ये ऐश की आपको जो ना फ़ोटो नज़र नहीं आ रहा, अभी तक आपने फ़ोटो पेश नहीं किया, प्रोफाइल फ़ोटो बनाइए। जी सर, वो ना मैंने मोबाइल पर लगाई हुई है, तो अब ये लैपटॉप पर भी इस पर जब ऑन करता हूँ जूम ऐप तो फिर इधर नहीं होता, इधर पे लगा लेता हूँ। मोबाइल पे है लेकिन लैपटॉप पे नहीं है, लैपटॉप पे नहीं है इसलिए मैं आज कर रहा हूँ कि करें, और कई दिनों से कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, अभी 4-5 हफ्ते हो गए। ठीक है सर, मैं अभी लगा लेता हूँ। आपको एक्सेप्ट किया था रूल्स ऑफ बिजनेस के नाम से, ना आप लोग पढ़ते हैं ना सुनते हैं, मेरी समझ में नहीं आता ये कौन सी मखलूक, कौन से प्लेनेट की मखलूक। नहीं सर, सुनते हैं। तो मैंने राइटिंग में दिया हुआ नहीं, आपने रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़े हैं ईमेल में, ईमेल पढ़ते हैं और से आप मेरी ईमेल्स पढ़ते हैं, लेक्चर पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, मेरी ईमेल्स पढ़ते हैं, यस सर। फिर उसमें जब लिखा हुआ है ईमेल में तो फिर आप क्यों 5 हफ्ते हो गए अभी तक क्यों नहीं किया। ये सर क्या कह रहे हैं आप? बस मैं कह चुका, आपने सुने ही नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप सुनते हैं और ना ही पढ़ते हैं, लिख के क्या दिया जाता है वो भी नहीं देखते, जबानी क्या कहा जाता है वो भी नहीं देखते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ हमने कल छोड़ा था कि ये दो प्रोसेसेस दिखाए गए, इसमें एक प्रोसेस जो है ना, इसमें इससे पहले हम कर चुके हैं 2-3 एग्जांपल्स, ये टी एस डायग्राम है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और ये एक एग्जांपल थी, इससे पहले वो एक और प्रोसेस था, ये वाला 1-2 प्रोसेस, 1-2 और 3-2। सो 1-2 जो प्रोसेस है वो कंप्रेशन प्रोसेस है फ्रॉम 1 bar से लेकर 4.2 तक, और हीटिंग प्रोसेस है जिसमें प्रेशर इंक्रीज होता है, और दूसरा प्रोसेस जो है ये भी हीटिंग प्रोसेस है और इसमें प्रेशर इंक्रीज होता है फ्रॉम स्टेट 3 से स्टेट 2 तक, बट वो आइसो बारिकली होता है, और एक प्रोसेस है आइसोमेट्रिकल, 1-2 एक आइसोमेट्रिकली होता है और 3-2 आइसोबारिकली। तो दोनों में फर्क है कि एक में कैलकुलेशन में सीपी आता है, सीपी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, दूसरे में सीवी आता है। तो अब ये जो बात है, ये वाली एग्जांपल, ये आइसो थर्मल प्रोसेस है और ये हम पहले कर चुके हैं, और ये वही आइसो थर्मल प्रोसेस है। तो dQ = dU + PdV, अगर PV डायग्राम पे ड्रॉ करें, लेकिन dQ = CV dT + PdV भी होता है, इसलिए कि dU = CV dT। तो अब ये जो dT तो जीरो है, आइसोथर्मल प्रोसेस में dT जीरो होता है, इसलिए CV dT जीरो हो गया, तो dQ = PdV। तो याद रखें के जो प्रोसेस आइसोथर्मल होता है उसमें टेम्परेचर सेम है लेकिन हीट ऐड हो रही है, बॉयलिंग मसलन बॉयलिंग प्रोसेस है उसमें हीट ऐड हो रही है, कंडेंसिंग प्रोसेस उसमें हीट रिमूव हो रही है, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है। तो आप इस फार्मूले से CPdT या CVdT यूज नहीं कर सकते, क्योंकि dT जीरो आ रहा है और हीट ट्रांसफर जीरो नहीं हो रहा, हीट ट्रांसफर हो रहा है जीरो नहीं है, तो इसलिए ये फार्मूला नहीं चलेगा। अब वो जो दूसरा फार्मूला है
के यूज को यू प्लस पी जी भी परफेक्ट गैस है तो यू प्लस पी भी होता है, तो जब एच यानी कि डी क्यू इज इक्वल टू डी एच तो डी एच इज इक्वल टू यू प्लस पी भी होता है, तो उसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो डी यू प्लस पी डी भी बनता है। तो सी वी डी टी चूंकि डी यू सी वी डी टी के बराबर होता है, ये हम पहले साबित कर चुके हैं फॉर आइडियल गैस, ओनली फॉर आइडियल गैस। तो अब हम ये आइडियल गैस की, पहले हमने स्टीम के प्रॉब्लम किए थे, अब हम आइडियल गैस के आइसोथर्मल स्टीम का तो मसला नहीं, वो आप स्टीम टेबल सैचुरेटेड स्टीम टेबल यूज करेंगे, लेकिन यहाँ जो है आप आइडियल गैस लॉज में आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज स्टीम टेबल में प्रॉपर्टीज देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पी वी इक्वल टू एम आर टी होना चाहिए याद, और आइडियल गैस लॉज याद होने चाहिए, और वो ये है। तो अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डी क्यू हो जाएगा आर टी डी वी अपन वी, जब आप इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे एस टू माइनस एस वन तो वो बनता है डी क्यू अपन टी, और डी क्यू इज इक्वल टू आर टी डी वी अपन टी वी, तो इसलिए हम लॉग वी आ जाता है एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू आर लॉग वी टू अपन वी वन। तो हम एंट्रोपी चेंज जो है ना, आपने टी एस डायग्राम पे जब आप ड्रा करें तो एरिया अंडर द कर्व बनता है टी मल्टीप्लाइड बाई एस टू माइनस एस वन, और ये मैथमेटिकली हमने साबित किया कि क्यू एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू आर लॉग वी टू अपॉन वी वन, और यही इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाई एस टू माइनस एस वन, तो ये दोनों आपस में बराबर हों। ये फार्मूला जो हमने अभी अभी डिराइव किया आर लॉग पी वन अपॉन पी टू, और ये जो पहला वो जो टी एस डायग्राम से जो आया टी मल्टीप्लाइड बाई एस टू माइनस एस वन, ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि ये भी डी क्यू है ये भी डी क्यू है, ये भी क्यू के बराबर है ये भी क्यू के, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। तो आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन होता है पी वन अपॉन पी टू के बराबर, क्योंकि पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, तो वी टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू पी टू पी वन अपॉन पी टू, ये प्रेशर वॉल्यूम को हमने प्रेशर में कन्वर्ट कर लिया। ये आइडियल गैस के लिए लॉज यूज करते हैं, इसलिए आखिरी फार्मूला जो हमें यूज करना है क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और दैट इज लॉग पी वन अपॉन पी टू, ये भी कर सकते हैं आर टी लॉग P1 upon P2 भी कर सकते हैं या P1 V1 log P1 upon P2 भी कर सकते हैं। तो क्योंकि RT is equal to PV, ideal gas में RT is equal to PV, तो RT की वजह हम P1 V1 भी लिख सकते हैं। और एग्जांपल है आपके सामने नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 28 kg per kmol, और इट इज कंटेन्ड इन द सिलेंडर बिहाइंड अ पिस्टन, इनिशियली 1.05 bar प्रेशर और टेम्परेचर 50, तो T1 P1 दिया हुआ है और वॉल्यूम 0.03 मीटर क्यूब दिया हुआ है और मॉलिकुलर वेट 28 दिया हुआ है, तो द गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, यानी T इज इक्वल टू कांस्टेंट, T1 इज इक्वल टू T2 एंड अंटिल प्रेशर इज 4.2, P2 भी दिया हुआ है, P1 1.0 पर, P2 4.2 पर, प्रोसेस दिया हुआ है आइसोथर्मल, कैलकुलेट द चेंज ऑफ एंट्रोपी एंड हीट फ्लो एंड वर्क। तीन चीजें आपसे पूछी हैं, एंट्रोपी चेंज बताएं, हीट फ्लो बताएं और वर्क बताएं। तो पीवी और चौथी चीज़ ये पूछी कि बल्कि पांच चीज़ें पूछी कि पीवी डायग्राम पे भी प्रोसेस शो करें और टीएस डायग्राम पे भी, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, कोई चीज़ भूलनी नहीं। तो डेटा में आप लिखेंगे गिवन डेटा में वॉल्यूम ये है, मॉलिकुलर वेट ये है, प्रेशर इनिशियल पी वन ये है, टेम्परेचर इनिशियल टी वन ये है, फाइनल प्रेशर पी टू ये है, और रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट इज एंट्रोपी चेंज एस टू माइनस एस वन, व्हाट इज क्यू, व्हाट इज डब्ल्यू, एंड चौथी आइटम पीवी डायग्राम, केस डायग्राम पे प्रोसेस। तो सबसे पहले प्रोसेस यहाँ ड्रॉ की दें सॉल्यूशन में, तो ये पीवी डायग्राम में प्रोसेस क्यों होगा, ये लो प्रेशर है ये हाई प्रेशर है, प्रेशर वन है प्रेशर टू है, तो पी वन पी टू ये कर्व बनेगी, एरिया अंडर द कर्व बनता है इंटीग्रल इंटीग्रल पी डी वी एंड दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क के लिए हमेशा पी वी डायग्राम यूज करते हैं और हीट के लिए टी एस डायग्राम, टी एस डायग्राम में ये प्रोसेस होगा वन टू टू हॉरिजॉन्टल लाइन वन टू टू, और वन का जो प्रेशर है वो 1.05 बार है, टू का प्रेशर 4.2 बार है, और वॉल्यूम वॉल्यूम 0.03 meter cube। तो इस कर्व में वन टू जो लाइन है इसके नीचे जो एरिया बनता है शेडेड एरिया, this is T S2 minus S1, which is equal to amount of heat added.
रिमूव्ड। तो फॉर्मुलेशन करेंगे, चूंकि नाइट्रोजन आइडियल गैस है तो H2S1 इज इक्वल टू आर लॉग P1/P2। अभी हमने फार्मूला डिराइव किया है, ये दोनों ये सारी केस में आर भी नाइट्रोजन का आर आप मालूम कर लें, क्योंकि मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है तो मॉलिकुलर वेट ये नीचे आगे जाकर ये आर कैलकुलेट हुआ है अगले सफे पे। आर इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कॉन्सटेंट डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट। यूनिवर्सल गैस कॉन्सटेंट इज इक्वल टू 8314.5 डिवाइड बाई 28, सो दिस इज 297 न्यूटन मीटर पर केजी पर केल्विन। और दिस इज द आर वैल्यू। तो आर हमने इस फार्मूले में लिखा, P1 P2 प्रॉब्लम में दिया हुआ है, वी गॉट द सॉल्यूशन। अब इसका फाइनल अमाउंट आता है -0.4 किलो जूल्स पर केजी। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व आइडियल गैस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस लॉस P इज इक्वल टू एम आर टी। अच्छा, यहाँ से हमें मास नहीं मालूम, तो पी वी इक्वल एम आर टी का एक और फायदा है कि मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर पी वी और आर टी मालूम है। पी वी आर टी सब मालूम है, तो ये हमने इस फार्मूले में रखा, पी वी इक्वल टू एम आर टी, एम इज इक्वल टू पी वी अपन आर टी, वी गेट मास, मास इज 0.3 kg। सो टेम्परेचर हमेशा याद रखें 15°C दिया हुआ है, इसमें 273 ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में कैलकुलेट करना है आपको, दैट इज 288। तो हम देख लेंगे जो 15 लिखेगा उसका प्रॉब्लम 100% 1000% रॉन्ग है, और जो 288 करेगा तो वो सही होगा। टोटल एंट्रोपिक चेंजेस टू S1 - S2 जो है ये बनती है, तो उसके लिए आपने इसको फार्मूले में M S1 यानी कि स्पेसिफिक एंट्रोपिक चेंज हमने कैलकुलेट कर लिए, तो उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट टोटल एंट्रोपिक चेंज। याद रखें प्रॉब्लम में अगर मास कैलकुलेट हो सकता है या दिया हुआ है तो फिर आप टोटल एंट्रोपी चेंज पूछेंगे वो, और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, मास का कोई वो नहीं है आपके पास, ना कैलकुलेशन हो सकती है और ना गिवन है, फिर आप पर केजी मास 1 kg एज्यूम करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। सो यहाँ दिया हुआ है तो हम टोटल मास हीट हमने कैलकुलेट कर लिए, पहले मास मास से मल्टीप्लाई करेंगे, हीट रिजेक्टेड टी मल्टीप्लाइड बाय S1 - S2, ये बगैर मास के मल्टीप्लाई नहीं किया था तो वो 1 kg के लिए था, अब मास केजीज में कैलकुलेट हो चुका है, लिहाजा एम 0.15 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये इसका जवाब आ गया, और जवाब ये भी वही आ रहा है -4.337। तो अब आप Q+W इज इक्वल टू 0, तो हमने इस प्रॉब्लम से न्यूमेरिकली साबित कर दिया कि इस सिस्टम में आइसोथर्मल प्रोसेस में Q इज इक्वल टू W होता है, इससे साबित कर -4 W = 4.37 जो हीट ट्रांसफर हुआ है वही वर्क ट्रांसफर हुआ। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस, आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस का ये ऊपर ये दिया हुआ है वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ये PV:N = कॉन्स्टेंट होता है, तो आइसेंट्रॉपिक हम पहले कर चुके हैं, तो पीवी पॉलीट्रॉपिक आइसेंट्रॉपिक में सिर्फ N का फर्क, N is not equal to kappa. Kappa is 1.45. Kappa is always equal to Cp/Cv for ideal gas. और हर गैस का अपना अपना kappa होता है, लेकिन N हर गैस का अपना मुख्तलिफ होता है। ये जो नॉन आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होगा वो प्रोसेस पर डिपेंड करता है, तो वो फिर प्रॉब्लम में गिवन होना चाहिए P1 = N। तो अब प्रॉब्लम ये कि इन रिसीव क्रिएटिंग कंप्रेसर ऑफ ए रेफ्रिजरेशन प्लांट, रेफ्रिजरेशन के प्रॉब्लम भी इसी फार्मूले से हल होंगे फर्स्ट लॉ से। रेसिफिकेटिंग कंप्रेसर है, तमाम रेफ्रिजरेशन मशीन में एक कंप्रेसर होता है जो लो प्रेशर वेपर को कंप्रेस करके हाई प्रेशर पर लेके जाता है, तो वो ये इसको आप एयर कंप्रेसर ना समझें, ये रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर। तो यहाँ एयर की प्रॉपर्टीज नहीं लगेंगी, रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज लगेंगी, और इनिशियल प्रेशर 2.1 bar भी है, बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन इज कंप्रेस्ड। Now, उसका पॉलीट्रॉपिक कॉन्स्टेंट भी दिया हुआ है, P1 PV = N, N इज इक्वल टू 1.1 दिया हुआ है, तो अब आप उसको 1.3 है, तो हम इसको 1.4 नहीं ले सकते, जो भी प्रॉब्लम है जो है वो लेंगे। तो उसके बाद जनाब ये क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस अब रेफ्रिजरेशन की ये प्रॉब्लम ही में रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेंट कौन सा था क्या था उसका हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रॉपर्टीज दे दी,
ये कहा कि इस प्रेशर पे 2 bar पे ये प्रॉपर्टीज है, 10 bar पे 2 और 10 bar पे प्रॉपर्टीज कौन सी दी है, वीजी स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ, एंट्रोपी दी हुआ, सैचुरेटेड वेपर की और वॉल्यूम और सुपर हीटेड की वॉल्यूम और स्पेसिफिक एंट्रोपी और स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया। तो इसकी मदद से हम इस टेबल की मदद से हम ये प्रॉपर्टीज यहाँ से निकालेंगे। अगर इंटरप्रेशन करेंगे V1 हमने टेबल से ले लिया, V2 जो है ना अब वो जो फार्मूला है PV:N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो उसकी मदद से आपने V2/V1 P1/P2N-1/N जो यहाँ लिख दिया गया है, N-1/N होता है 1 minus 1.3 बहुत बारीक है नज़र नहीं आता, ये करीब 1 मुझे नज़र आ रहा है आई साइट वी के मेरी, ये 1 नहीं है बल्कि 3 है, मैं इसको एनलार्ज करके देखता हूँ। ये देखें ये 1 ये 0.3 है और ये 1 minus 1.3। तो ये इसका जवाब आपके सामने है, और नेक्स्ट स्लाइड में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऊपर दिखाया था, ये कंप्रेशन प्रोसेस है और यहाँ आपने इंटरपोलेट करना था, ये टेबल इंटरपोलेशन यहाँ दिखाई है कि S2 कैसे आया, तो इस तरह आपने ये प्रोसेस में इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ये है 1 to 2 ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है और ये P1 से है P2 तक और ये T1 है T2 है, तो TS डायग्राम में उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी ताकि आप फिजिकली उसको समझ सकें। Now, it was shown in section 3.1, यानी chapter 3 में, अब हम chapter 4 की प्रॉब्लम कर रहे हैं। Chapter 3 में पढ़ चुके हैं कि polytropic process is the general case for a perfect gas to find the entropic change for a perfect gas. In the general case, consider the non-flow energy equation for a reversible process. तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन है DQ=GU+PdV इसको आप याद रखें, DQ=DU+PdV यानी हीट प्लस वर्क दोनों मिलाकर DQ हो जाता। तो ऑल्सो फॉर यूनिट मास फ्लो रेट PV=RT फॉर आइडियल गैस, D=CVdT फॉर आइडियल गैस, तो अब हम फॉर आइडियल गैस DQ=CVRT और RTdV अपॉन V हो जाएगा। एंड चेंज इन एंट्रोपी तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे S2-S1=CV log T2/T1+R log V2/V1 इसका डेरिवेशन ऊपर से हो गया। दूसरा ये अगर आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम है तो फिर इसमें ये फार्मूला लगे, तो ये फार्मूला ये CV log T2/T1+R log V2/V1 और एक फार्मूला ये भी है कि R log V2/V1-CV log T1/T2, ये इसी को उल्टा कर दिया, ये 14 और 15 में कोई फर्क नहीं है, ये इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप देखें log T2/T1 को उल्टा कर दें log T1/T2 तो ये माइनस हो जाए, तो इसने यहाँ माइनस का साइन लगा। Now the first part of the expression of S2-S1 वो ये है R log V2/V1, ये दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, R log V2/V1-CV log T1/T2, अब उसका एनालिसिस कर रहे हैं ये क्या है, ये दो आइटम क्या है। पहला जो आइटम है R log V2/V1 और सेकंड पार्ट जो है चेंज ऑफ एंट्रोपी इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये जो है फर्स्ट पार्ट क्या है, चेंज ऑफ एंट्रोपी इन आइसो थर्मल प्रोसेस फ्रॉम V1 to V2 और ये जो सेकंड पार्ट है ये CVR log T1/T2, तो दिस इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो
ये आप देख रहे हैं कि एक प्रोसेस है जो वन और टू हो रहा है, प्रोसेस वन से टू हो रहा है और ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है कि वन और टू का पास ये भी हो सकता है, वन और टू का पास वन से ए जाए, वन से पहले ए जाए, ए से फिर टू पे आ जाए। तो ये इनडायरेक्ट रूट, आपके घर से कॉलेज जाने के मुख्तलिफ रास्ते हो सकते हैं। तो घर आपका स्टेट अगर वन है और कॉलेज स्टेट टू है तो एक सीधा रास्ता जो जाता है मेन शाहबाज पर रोड वन टू जाता है, लेकिन इसके बजाय आप कहीं से घूम घाम के जाएं बाईपास रोड की तरफ से तो वन से पहले ए जाएंगे, एक से फिर टू में। तो ये अब मकसद इसका ये है कि हम पॉलीट्रॉपिक का फार्मूला इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहते हैं। वन टू ए ये कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का फार्मूला हमें मालूम है, चेंज इन एंट्रोपी का वो यूज़ कर लेंगे वन से लेकर ए तक, और ए से लेकर टू का जो प्रोसेस है ये आइसोमेट्रिक प्रोसेस। तो आइसोमेट्रिक प्रोसेस का भी हमें फार्मूला मालूम है एंट्रोपी चेंज का जो ऊपर दिया हुआ है। ये इन अब ये जो उसका एनालिसिस, ये जो ऊपर इक्वेशन आई है ना, ये आई है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन। सवाल पैदा होता है कि ये क्या है और ये क्या है। तो ये है कि फिजिकल उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप वन टू टू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जाने के बजाय पहले आइसोथर्मली आप हीट करेंगे, फिर कूल करेंगे उसमें आइसोमेट्रिकली, तो आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मिल जाएगा। तो इसका तरीका ये है कि आप देखें कि आपको एस टू माइनस एस वन निकालना है, लेकिन आप पहले एस ए माइनस एस वन निकालेंगे, फिर उसमें से एस ए माइनस एस टू माइनस करेंगे तो आपको एस टू माइनस एस वन मिल जाएगा। ये डायग्राम में देख लें, यहाँ है एस ए, यहाँ है एस वन, ये पूरी लेंथ में से ये वाली लेंथ, यहाँ है एस ए और यहाँ एस टू, एस ए माइनस एस टू माइनस कर लें। तो यूँ समझ लें कि आर लॉग वी टू अपॉन वी वन है एक्चुअली एस ए माइनस एस वन, और सी वी लॉग टी वन अपॉन टी टू है एक्चुअली एस ए माइनस एस टू। इसलिए हमें एस वन एस टू माइनस एस वन चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ये वाला एस टू माइनस एस वन चाहिए। तो उसके लिए आपको इसमें से ये माइनस कर लें। तो ये ज्योमेट्रिकली भी आपके सामने है और मैथमेटिकली। ना द फर्स्ट यही चीज डिस्कस हुई है। तो एस टू माइनस एस वन यहाँ आ गया, एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू एस बी माइनस एस वन माइनस एस बी माइनस एस टू। तो फाइनली एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू सी पी लॉग पी वन अपॉन पी टू माइनस सी पी लॉग पी टू अपॉन पी वन। सर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें लड़कों की ना, उन्होंने कब से भेजी हुई है ज्वाइन करने, ज्वाइन करने। ये लोग बहुत लेट आते हैं, करते हैं, 24 अटेंडेंस है हमारी, मुझ समेत 24 हैं, अभी कोई भी नहीं है वेटिंग रूम, बहुत लेट है, इन्हें मना करें, सी आर मना करें कि आएंगे लेट आएंगे तो 5-10 मिनट तक मैं बर्दाश्त करूंगा, उसके बाद एब्सेंट लगा दूंगा, यानी इंटरव्यू होने दूंगा। ना 4.8 में आ जाए, तो 4.8 में कैलकुलेट द चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ 1 केजी ऑफ एयर एक्सपेंडिंग पॉलीट्रॉपिकली सिलेंडर बिहाइंड अ पिस्टन फ्रॉम 6.3 बार टू 550 सेंटीग्रेड इन 1 बार। ये एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, पॉलीट्रॉपिकली हो रहा है, और वर्किंग सब्सटेंस एयर है और मास उसका 1 केजी है, इनिशियल प्रेशर 1.0 बार है और एन की वैल्यू 1.3 है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स जिसको कहते हैं, और T1550 और T16.3 बार है, फाइनल प्रेशर जो है 1.05 बार। प्रोसेस इज शोन ऑन अ टीएस डायग्राम। सबसे पहले प्रोसेस शो किया आपने 1-2, इसको आपने रिजॉल्व किया 2 पार्ट्स में 1A और A2। उसमें से 1-2 कैलकुलेट करने के लिए A-2 एस ए माइनस एस टू माइनस करेंगे एस ए माइनस एस वन में से। तो ये सबसे पहले हम ये रेशो, अब ये देखेंगे पॉलीट्रॉपिक हो तो ये रेशो आइसेंट्रॉपिक की तरह ये बनती है टेम्परेचर रेशो। T1 अपॉन T2 को टेम्परेचर रेशो कहते हैं, P1 अपॉन P2 को प्रेशर रेशो कहते हैं। तो टेम्परेचर रेशो इज इक्वल टू प्रेशर रेशो रेज टू एन माइनस वन डिवाइड बाई एन, एन इज 1.3। तो ये आपने इसमें लिख दिया, जवाब है 1.52। ये रेशो आपने कैलकुलेट कर ली, इसकी मदद से आप T2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो T2 इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाई वन, दैट इज दैट रेशो विच वी हैव कैलकुलेटेड जस्ट नाउ। तो 544K, याद रखेंगे टेम्परेचर T1 आप 823 से लिया, 550 को आपने 273 ऐड करेंगे तो 823 हो, ये एब्सोल्यूट प्रेशर टेम्परेचर होगा। नाउ 1-2 को 2 प्रोसेस में रिप्लेस किया, 1 से A फिर A से 2।
तो ये उसका ये है कि एस ए पहले कैलकुलेट करेंगे, एस ए माइनस एस वन इस फार्मूले से करेंगे आर लॉग पी वन अपॉन पी टू, तो ये आपने कर लिया। और उसके बाद एस 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 टू इस फार्मूले से करेंगे सी पी लॉग टी वन अपॉन टी टू, सी पी लॉग टी टू टी वन अपॉन टी टू, तो इसमें इंक्रीज एंट्रोपी टोटल प्रोसेस एस वन माइनस एस टू इस तरीके से हमारे पास आ गया। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके साथ ये स्लाइड आपकी ख़त्म हो गई हैं और टाइम भी हमारा ख़त्म होने वाला है। कुछ सवाल है तो कीजिए, एनी क्वेश्चंस प्लीज। एक मिनट है हमारे पास, एक दो मिनट है। हेलो, यस सर, नो डाउट, नो डाउट्स। अच्छा, किसी की समझ में कोई नहीं आया डाउट पूछ लें। सबने होमवर्क असाइनमेंट कर लिया, सब लेक्चर पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, टेबल जो मैंने टेबल्स और चार्ट्स दिए हैं उसकी कॉपी बना ली है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, सॉल्व किए जा रहे हैं, नहीं चाहिए रहे हैं इसके जवाब दें चाहिए। आप सवाल नहीं कर रहे तो मेरे सवाल का जवाब दें। जवाब मुरसलीन नहीं है, मुरसलीन आर यू हियरिंग मी? Can you hear me? Second CR, Kadir, Abdul Kadir. मैंने अर्ज किया है कि मेरा सवाल समझ में आया है, उसका जवाब दो। क्या प्रोग्रेस है? स्टूडेंट ने टेबल्स प्रॉपर्टी टेबल्स और चार्ट की कॉपी कर ली है, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए है, असाइनमेंट में जो दिया वो कर लिया है, चैप्टर टू के जो टू और थ्री के जो प्रॉब्लम दिए कर लिए हैं? कोई नहीं बोल रहा सर, अभी नहीं किए, वो मुस्लिम तो भी है नहीं। देख जो ड्यू डेट उसके अंदर कर लिए ना, अभी नया तो मैंने नहीं दिया ना, जो कर लिए जो पहले दिया था इसकी ड्यू डेट गुजर गई उसकी बात करो। जी जी सर, वो तो दे दिए आपको, छोटा करके भी देख लो। हां जी कर दी थी, समझ के करना है, और जिसकी समझ में नहीं आया वो बार बार पढ़े, दोबारा पढ़े, किताब खुद पढ़े, किताब भी आपके पास है, मतलब का सर, एग्जाम्पल भी लेक्चर भी आपके पास, ठीक है।